कोई कारण हो सब उसका। जिला खंडवा ग्राम पंचायत बड़गांव भीला के ग्रामीण कलेक्टरेट और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सरपंच पुत्र द्वारा अति भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासी ने बताया कि मनरेगा योजना में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। सरपंच ने 3 साल पहले 1 एकड़ जमीन का मालिक था, आज उसके पास JCB, ट्रैक्टर, बिल्डिंग और कई भूमि दूसरे जिले में भी मौजूद है। यह सब हम गांव वालों का मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी का हक मार कर किया है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ समस्त ग्रामवासियों ने अपने हक के लिए सभी गांव वालों ने जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन दिया है। खंडवा से संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि हम लोग कल से यहां पर गांव में लगे हुए थे और गांव में बड़गांव भीला के अंदर, और हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र साकल्ले जी द्वारा हमें वहां से सूचना मिलती है कि यहां ग्रामीणों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, और जो सरपंच पुत्र है वो वहाँ पर अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, है ना। और उनकी जो भी सारी समस्याएं हैं वो सारी आप लोगों के आगे अभी ग्रामीणों ने बताया। आपने उन लोगों से बात नहीं करी? हमने भी ग्रामीणों से चर्चा की है। नहीं, जो सरपंच बच्चा है उनका, उनसे बात करी? पुत्र थे नहीं, अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है हमारा। और जो कि वो गाली वगैरह दे रहे हैं ये लोगों को, ग्रामीणों को, तो हम लोगों ने उनसे चर्चा करना भी अभी उचित नहीं समझा, है ना। वो वैसा ही व्यवहार करेंगे सभी लोगों के साथ में, तो हमारी तो ये ले लेकर एक ही वो है कि जिस तरीके से ये लोगों के साथ में जो काम इनके साथ किया जा रहा है और इन लोगों की जो समस्याएं हैं इसका निराकरण अगर अभी जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश पूरे खंडवा जिले के अंदर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, है ना। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल ये लोग शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाना मोघट पहुंचे थे और वहां पर सब इंस्पेक्टर और एक और कोई अन्य के द्वारा जो ये लोगों को प्रेशराइज किया गया था कि यहां से चले जाओ या वहां से भगाने का जो काम किया गया है वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, और दूसरा जो सरपंच पुत्र है उसके ऊपर भी पूरे तरीके से हम लोग उचित कार्रवाई की मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और उसके ऊपर सटीक कार्रवाई करने। प्रदेश और केंद्र सरकार